वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 9 चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इन क्लास 10 वी हैव आल्सो रीड दिस चैप्टर। ओके, सरफेस एरिया वॉल्यूम जो चैप्टर है वो क्लास 10th में भी है, इसलिए क्लास 9th में ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर। ये चैप्टर काफी बड़ा भी है और ज्यादा मार्क्स का भी है, इसलिए इसे अच्छे से कवर करना। तो इसका मेन बेसिक जो है बेस पॉइंट कि इसे अच्छे से कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसे अच्छे से कवर करने के लिए हमें फार्मूले याद होने जरूरी है। देर आर 14-15 फार्मूला इन दिस चैप्टर और सारे आपको याद करना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कंफ्यूजन ये रहता है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला रहेगा, तो उसकी ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। बहुत सारे हमने अभी ऑनलाइन जो फेस टू फेस कन्वर्सेशन किया स्टूडेंट का, उसमें पता चला कि दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड पे, ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। तो हम ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा विजुअल दिखाई दे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13। 13.1 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। इट इज ओपन ऑन द टॉप। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, द कॉस्ट ऑफ शीट ऑफ इफ ए शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट रूपीज 20। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को क्लियर करता हूं। दिस इज द बॉक्स लेंथ ब्रेथ और हाइट दी है, यानी कि एक क्यूबॉइड का बॉक्स है। ओके, तो यहां से ये तो समझ में आ गया कि क्यूबॉइड का फार्मूला लगेगा। देन एरिया निकालना है तो उसका एरिया। अब क्यूबॉइड के एरिया में दो फार्मूले होते हैं, टीएसए और सीएसए, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, क्लियर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। जैसे मान लो ये क्यूबॉइड है बुक, ओके, यदि मुझे इसका पूरा एरिया निकालना हो टोटल, ओके, यानी कि ऊपरी हिस्सा, क्लियर, तो यहां पर मैं कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा ऊपरी हिस्सा। और यदि टोटल सरफेस निकालना रहेगा तो मैं उसके अंदर का एरिया भी निकालूंगा और बाहर का भी, तो वो टोटल सरफेस एरिया होगा, क्लियर। अब यहां पर उसने बोला है कि बॉक्स ऊपर की तरफ से ओपन है, यानी कि ऊपर का एरिया नहीं निकालना है। तो हमारे पास क्या चीज बची, हमारे पास बचा बॉक्स के चारों तरफ की वॉल, ओके, और एक नीचे का बेस जिसका एरिया हमें निकालना है। अब नीचे का बेस तो होता है रेक्टेंगल फॉर्म में, ओके, और चारों वॉल का फॉर्मूला तो हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है बुक में, आप देख सकते हैं। एरिया ऑफ फोर वॉल भी बोलते हैं जिसे, और सीएसए भी बोलते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया है कि क्या है। अब इसमें दो पार्ट है, दो क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले एरिया निकालना है, एरिया निकालने के बाद आपको रुपीज में फाइंड करना है कि कितने रुपए लगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले लेंथ अभी तो हाइट है वो आप लिख लीजिए, लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी, हाइट दे दी, क्लियर। हाइट जो थी सेंटीमीटर में थी उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर है। नाउ हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट का फार्मूला मैंने लगाया 2(a+b)(h), ये तो सीएसए का फार्मूला है, क्लियर। और फिर मैंने बोला था नीचे का रेक्टेंगुलर है इसलिए a(b), ये फार्मूला तो आपने पढ़ा होगा, ओके। नाउ वैल्यू पुट करेंगे हम, एल की वैल्यू पुट करी मैंने, बी की वैल्यू पुट करी, एच की वैल्यू पुट करी, ये सभी वैल्यू मैंने पुट कर दी है और मैंने उसको मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी था वो ऑपरेशन मैंने कर लिया यहाँ पर, और फाइनल मेरा जो रिजल्ट निकला वो है 5.45 मीटर स्क्वायर। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन था कि एरिया फाइंड करो, तो एरिया मैंने फाइंड कर लिया, एरिया निकला 5.45, क्लियर। नाउ अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में उसने पूछा था कॉस्ट ऑफ सीट, यदि आप बनाना चाहते हैं क्यूबाइट तो सीट कितने लगेगी, उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो क्वेश्चन पहले से दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस लग रहा है 20 रुपीज, और हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है 4.5.45। तो यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया और रुपीज में आंसर आया 109 रुपीज। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको आंसर में लगाना जरूरी है वरना मार्क्स कट सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है, आप देख लीजिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर।
लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर रुपीज। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ पर एक कमरा दिया और कमरा हमें पता है कि वाइट के शेप में आता है, उसका एरिया निकालना है फोर वॉल का, फोर वॉल मतलब सी एस ए क्लियर एंड ऑल्सो द सीलिंग, सीलिंग मतलब टॉप रूफ का एरिया। तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे सी एस ए का, जैसे कि एरिया ए ब्रीथ एंड हाइट सबसे पहले लिख दी, नाउ एरिया ऑफ फोर वॉल इंक्लूडिंग द सीलिंग, ओके यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है टू ब्रैकेट में एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस ए मल्टीप्लाई बी, मैंने वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करके ऑपरेशन सॉल्व किया, आंसर 74 मीटर स्क्वायर, पर हमें इस बार एरिया नहीं पूछा था, हमें इस बार केवल रेट पूछा है, तो उसके लिए एरिया निकालना जरूरी है, इसलिए हमने एरिया फाइंड कर लिया। नाउ कॉस्ट निकाल रहे हम, रेट इज गिवन 7.50 रुपीस पर मीटर स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर का लग रहा है 7.50 रुपीस, तो हमारे पास कितना है 74 है, क्योंकि फार्मूला है रेट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई कॉस्ट, यानी कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई रेट, ये भी बोल सकते हैं 74 मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लिकेशन किया हमारा आंसर आया 555 रुपीस, ओके 555 रुपीस। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, देख लीजिए आप इसे। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज पैरामीटर इज 250 मीटर, पैरामीटर यहां पर दिया हुआ है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 10 मीटर पर मीटर स्क्वायर रुपीज 15,000 फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, आपको हाइट निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में पैरामीटर दिया है, यानी पैरामीटर कहने का यूज होगा मतलब 2 इंटू एल प्लस बी का यूज होगा यहाँ पर, जो कि कितना दिया हुआ है 250 मीटर, आपको हाइट निकालनी है, ओके। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक हिंट दी हुई है, एरिया ऑफ फोर वॉल इक्वल होगा लेटर सरफेस एरिया के, यानी कि एरिया ऑफ फोर वॉल का फॉर्मूला क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच, वो किसके बराबर होगा सी एस ए के बराबर, क्लियर। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, पैरामीटर ऑफ वॉल दिया हुआ है 250 मीटर, अब यहाँ पर उसने सेकंड लाइन में दिया हुआ है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ फोर वॉल इज 10 पर मीटर स्क्वायर, वहां पर रेट भी दिया हुआ है और कॉस्ट भी दी है, एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला हो गया कॉस्ट अपॉन रेट, ये फॉर्मूला आप राइट कर लीजिएगा, दोनों का डिवाइड किया क्या आया एरिया 1500 मीटर स्क्वायर। नाउ हमने सी एस ऑफ क्यू वर्ड लगाया क्योंकि यहाँ पर फोर वॉल के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो 1500 हो गया 2L+B × H, ये फॉर्मूला होगा, अब यहाँ पर देखो 2L+B, ओके ये फॉर्मूला पैरामीटर का होता है, तो पैरामीटर पहले से ही दिया है 250, इतना पहले से ही दिया है 250, बचा क्या है भाई एच, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, दोनों को डिवाइड करने गए हमने डिवाइड किया कितना आया 6, तो यहाँ पर हाइट आ गई 6 मीटर। ये क्वेश्चन तो थोड़ा ट्रिकी है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और ये फार्मूला अच्छे से आप लिख लीजिए, ये अंदर का फार्मूला है जो शायद बुक में नहीं दिया हो, पर ये आपको लिखना है। तो इसी तरह हमारे 3 क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं, अब आपको जो वीडियो आएगा उसमें हो सकता है फार्मूले के बारे में डिस्कशन कराया जाए, तो बुक में फार्मूले दिए हुए हैं, आप चाहते तो एक साथ सारे फार्मूले लिख लीजिए या फिर अलग अलग भी लिख लीजिए एक्सरसाइज के साथ, मैं चाहता हूं कि आप सारे फार्मूले एक ही पेज पे फ्रंट में राइट कर लें ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो हमारे 13.1 के 3 क्वेश्चन यहां पर फिनिश होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे, थैंक यू।